हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है ब्रैड्स किचन में। दोस्तों, आज की रेसिपी एक लॉन्ग पेंडिंग रेसिपी है रेड वेलवेट केक की। और दोस्तों, ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, ये एक फुल प्रूफ रेसिपी है। इसमें जो फ्रॉस्टिंग है वो आप समर्स में बनाएं, विंटर्स में बनाएं, कभी भी बनाएं, अगर मेरे दिए गए टेक्निक्स के साथ बनाएंगे तो हर बार आपकी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग ऐसी ही ज़बरदस्त बन के आएगी, कभी भी मेल्टिंग और रनी नहीं होगी। और दोस्तों, ये केक इतना टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, आपको इसको बना के टेस्ट ही करना होगा, क्योंकि ये मार्केट से भी अच्छा बनता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको इस रेसिपी में एग की भी रिप्लेसमेंट बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने एग का यूज़ करके इस रेसिपी को बनाया है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 220 ml दूध ले लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने, जिसमें मैंने एक बड़े चम्मच विनेगर का मिला दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम एक साइड में रख देंगे, ताकि हमारी, जब तक हम बाकी तैयारियां कर रहे हैं, हमारा जो मिल्क है वो कर्डल हो जाए। और यहाँ पर मैंने 220 ग्राम जितना मैदा ले लिया है। कप से ये 2 कप मैदा होगा दोस्तों। मैं अपने हर इन्ग्रीडियंट को वजन करके लेना पसंद करती हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे आपका जो केक है वो हर बार अच्छा बन के आता है। कोको पाउडर लिया है मैंने 12 ग्राम, साथ के साथ मैंने नमक डाला है 1/4 छोटा चम्मच जितना। लेवनिंग एजेंट्स डाल रही हूँ मैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच जितना। साथ के साथ मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल दिया है 1 छोटा चम्मच। दोस्तों, यहाँ पर हम बेकिंग सोडा भी डाल रहे हैं इसलिए क्योंकि इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है, और ये रिएक्ट करेगा कोको पाउडर और साथ के साथ विनेगर वाले कर्डल्ड मिल्क के साथ। इससे हमारे केक को बहुत ही अच्छा राइज मिलेगा। इसको अच्छे से हम छान लेंगे यहाँ पर, और छान के अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को हम एक साइड में रख लेंगे। अब नेक्स्ट मैंने एक बोल में ले लिया है मक्खन 100 ग्राम। ये रूम टेम्परेचर पर लिया है मैंने मक्खन इसमें, और साथ के साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, ताकि जो हमारा रेड वेलवेट केक है उसको एक अच्छा सा टेक्सचर और एक फ्लफीनेस मिले। तो 50 ग्राम मैंने तेल डाल दिया है, बिना खुशबू वाला तेल यूज़ किया है मैंने। आप चाहें तो आधा मक्खन और आधा तेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा का पूरा तेल भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। 175 ग्राम मैंने कास्टर शुगर डाला है, और साथ के साथ मैंने वनीला एसेंस डाला है 1 छोटा चम्मच। प्योर वनीला एसेंस है दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वनीला मैं यूज़ करती हूँ अपने केक्स में, ताकि उसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आए। यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया। ये देखिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करके हम बटर को क्रीम कर लेंगे लगभग 5 से 6 मिनट तक, बीच बीच में स्क्रेप करते हुए बोल को, ताकि हमारा जो बटर है वो इवनली क्रीम हो। उसके बाद यहाँ पर मैं अंडे डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 एग्स का यूज़ किया है, और एक एक करके मैं एग्स को ऐड कर रही हूँ। अगर आप एग को रिप्लेस करना चाहें तो इस रेसिपी में आप 25 ml दूध और बढ़ा लें, और 75 ग्राम दही डाल दें। जहाँ पर मैंने एग्स ऐड किए हैं वहाँ पर आपको इसको दही से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, 3 से 4 मिनट तक मैंने अंडे को डालने के बाद भी अच्छे से बटर को क्रीम किया है। उसके बाद इसको एक साइड में रखने के बाद मैंने रेड कलर जो है, फूड कलर, लिक्विड फूड कलर 1 बड़ा चम्मच जितना अपने जो कर्डल्ड मिल्क है उसमें ऐड कर दिया है। अब चलिए सारे इन्ग्रीडियंट्स को हम मिक्स करते हैं। और दोस्तों, इस समय मैंने अपने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है 170 डिग्री पे। यहाँ पर मैंने आधा ड्राई इंग्रेडिएंट्स और आधे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को बटर के अंदर ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ इतनी मिक्सिंग करनी है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स हो जाएं। ये देखिए दोस्तों, और उसके बाद हम यहाँ पर बाकी बचे हुए अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे जो वेदर है उससे हमारे केक का जो बैटर है उसकी थिकनेस वेरी करती है। कई बार समर्स में ये केक आपको काफ़ी रनी लग सकता है, जबकि विंटर्स में यही केक आपको काफ़ी थिक दिखेगा, क्योंकि कई बार वेदर के हिसाब से हमारे इंग्रेडिएंट्स की भी कंसिस्टेंसी चेंज होती है। तो उस केस में अगर आपको आपका बैटर ऐसा ना दिखे तो आप उसमें 20 से 25 ml दूध और बढ़ा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले रही हूँ। मैं वेइंग स्केल की मदद से इसको इक्वली डिवाइड कर रही हूँ, ताकि हमारा जो बेकिंग टाइम हो वो तीनों केक के लिए सेम हो। उसके बाद इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैंने अच्छे से टैप कर लिया, और टैप करने के बाद 170 डिग्री पे मैं 20 से 25 मिनट तक इसको अच्छे से बेक कर लूँगी। इसको हमें तब तक बेक करना है जब तक हमारा जो केक है वो साइड्स को छोड़ दे, और साथ के साथ जब हम इसमें स्क्यूअर डालें तो स्क्यूअर जो है वो बिल्कुल साफ निकल के आए। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से स्क्यूअर बिल्कुल साफ निकल के आया। अब इसको अच्छे से मैं ढक के ठंडा होने दे रही हूँ, कम से कम 2 घंटे के लिए। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। हल्का सा मैंने डीमोल्ड करने के लिए साइड्स पर नाइफ चला लिया, और उसके बाद इस तरीके से ये देखिए कितनी आसानी से हमारा केक जो है वो पैन को छोड़ दे रहा है। और ये देखिए,
मैंने पार्चमेंट पेपर को भी निकाल लिया है और उसके बाद इसको हम फ्रिज में कम से कम 6-7 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जब हम केक की फ्रॉस्टिंग करें तो हमारी जो फ्रॉस्टिंग है वो बिल्कुल मेल्ट ना हो। चलिए अब हम क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग बनाते हैं। इसके लिए मैंने मक्खन ले लिया है 300 ग्राम, और दोस्तों मैंने बिल्कुल ठंडा मक्खन लिया है, फ्रिज से इमीडिएटली निकाल के मक्खन को मैं यूज़ कर रही हूँ। रूम टेम्परेचर का मक्खन बिल्कुल ना लें, नहीं तो आपकी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग रनी हो जाएगी। इसको अच्छे से हमें व्हिप करना है कम से कम 6-7 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर वाइट बटर का यूज़ किया है, जिससे हमारी जो फ्रॉस्टिंग है उसका कलर काफ़ी अच्छा बन के आएगा। अगर आपके पास वाइट बटर नहीं है तो आप येलो वाले बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान दें कि अनसॉल्टेड बटर यूज़ करें। अनसॉल्टेड बटर की वजह से हमारी जो फ्रॉस्टिंग है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा बन के आएगा। अच्छे से 7-8 मिनट तक बीट करने के बाद यहाँ पर मैंने एकदम ठंडी क्रीम चीज़ डाल दी है 250 ग्राम जितनी। दोस्तों बिल्कुल ठंडा मैंने क्रीम चीज़ भी डाला है इसमें, और उसके साथ साथ बटर भी बिल्कुल ठंडा है। इस चीज़ को मैं बार बार रिमाइंड करा रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप बिल्कुल ठंडे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे तो आपकी जो फ्रॉस्टिंग है वो काफ़ी अच्छी बनेगी। तो 4-5 मिनट तक मैंने क्रीम चीज़ को भी बटर में अच्छे से व्हिप कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से इवनली ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसमें आइसिंग शुगर को डालूंगी। यहाँ पर मैंने 175 ग्राम जितनी आइसिंग शुगर ली है, और इसको मैं ये देखिए इस तरीके से इसमें ऐड कर रही हूँ। और आइसिंग शुगर को दोस्तों मैंने छान लिया है। यहाँ पर मैंने छानने वाला स्टेप रिकॉर्ड नहीं किया है, वो मेरे से मिस हो गया था। आप बिना छाने आइसिंग शुगर को बिल्कुल भी ना ऐड करें, नहीं तो इसमें लम्प्स होते हैं और हमारी जो फ्रॉस्टिंग है वो ग्रेनी बनेगी। इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया है, ताकि जब हम इसको बीटर से बीट करें तो जो आइसिंग शुगर है वो हवा में ना उड़े। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है। अब आप देख सकते हैं हमारी जो फ्रॉस्टिंग है वो थोड़ी थोड़ी हल्की होने लगी है, ढीली होने लगी है, ये स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी पे जाने लगी है। तो मैं ये देखिए पूरी आइसिंग शुगर इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और साथ के साथ यहाँ पर मैं वनीला एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 छोटे चम्मच जितना वनीला एक्सट्रैक्ट भी डाल दिया है। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो फ्रॉस्टिंग है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको और व्हिप कर लिया है। आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी पे हमारी फ्रॉस्टिंग बनके तैयार हो गई है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल थिक है, ये बिल्कुल रनी नहीं है, ये जैसे कि यूजुअली क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग में हमें परेशानी होती है। बस अब चलिए अब हम केक को अपने फ्रॉस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने केक के लेयर्स को इवन कर लेंगे ऊपर से काट करके। ये देखिए इस तरीके से दोस्तों मैंने तीनों लेयर्स को काट लिया है, और काटने के बाद जो वेस्टेज बच रही है उसको हम एक साइड में रख लेंगे, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने केक टर्नर पर सिर्फ एक बूंद पानी डालकर टिश्यू पेपर रख दिया, और उसके ऊपर मैंने केक प्लेट को रखा है। इसके ऊपर हम केक की फ्रॉस्टिंग करेंगे, और मैंने केक को अपसाइड डाउन करके यहाँ पर रखा है, और उसके बाद इसको अच्छे से मैं शुगर सिरप में सोक कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने 100 ml पानी में 1 चम्मच चीनी डालकर पानी को अच्छे से बॉयल करके ठंडा करके ले लिया है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, मैंने अपनी जो फ्रॉस्टिंग है उसको एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है, क्योंकि मुझे ये मेथड बहुत आसान और बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा इसी मेथड से अपने केक की फ्रॉस्टिंग करना पसंद करती हूँ। इस तरीके से करते हुए हम पूरी लेयर पर अच्छे से ये देखिए इस तरीके से क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग को लगा देंगे, और उसके बाद इसको पैलेट नाइफ की हेल्प से इस तरीके से इवन कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, और उसके बाद इस पर मैंने दूसरी लेयर को रखा है। दूसरी लेयर को भी मैंने उलट कर ही रखा है। मैं हमेशा अपने केक की लेयर्स को उलट करके रखती हूँ, ताकि जो चिकना साइड है वो ऊपर आए। और इस तरीके से रिपीट करते हुए हम अपने तीनों केक की लेयर को लगा लेंगे। सबसे पहले केक की लेयर को रखना है, केक के स्पॉन्ज को रखना है, उसके बाद से उसको शुगर सिरप में सोक करना है, और उसके ऊपर फिर फ्रॉस्टिंग लगानी है। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लेयर को मैंने अच्छे से सोक कर लिया, और उसके बाद हम केक को क्रम कोट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो केक है वो रेड कलर का है और हमारी जो फ्रॉस्टिंग है वो वाइट कलर की है। तो हमें अपने सारे क्रम्स को पैक कर लेना है। क्रम कोट करने के बाद से फिर से मैंने केक को 1 घंटे के लिए चिलर में रख के ठंडा कर लिया, और उसके बाद हम इसकी अब फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से पाइपिंग बैग में ही डाल करके फ्रॉस्टिंग को मैंने चारों ओर लगा लिया है केक के, और अब इसके बाद इसको पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं ये देखिए केक को इवन कर ले रही हूँ। इस तरीके से करते हुए हम सबसे पहले टॉप को इवन कर लेंगे, और उसके बाद से केक के साइड्स को इवन कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं अपने केक की फ्रॉस्टिंग करना पसंद करती हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो केक है वो कितनी आसानी से फ्रॉस्ट हो गया है। तो ऑलमोस्ट हमारा केक फ्रॉस्ट होकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो डेकोरेशन के लिए जो हमारे वेस्टेज वाला स्पॉन्ज निकला था ना, ये देखिए दोस्तों, उसको मैं स्ट्रेनर से इस तरीके से छान के उसके छोटे छोटे क्रम्स बना ले रही हूँ। इसको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे, इससे हमारे जो क्रम्स हैं वो बिल्कुल इवन आएंगे, और इस तरीके से हमारा जो केक है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो क्रम्स यहाँ पर बन के तैयार हो गए हैं।
चलिए अब हम पाइपिंग कर लेते हैं। तो पाइपिंग के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले बेस पे कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पतली वाली नोजल ली और इस तरीके से मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने पसंद की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। और साथ के साथ यहाँ पर टॉप पर भी मैं एक अच्छी सी डिज़ाइन बना ले रही हूँ, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से। आप अपने पसंद की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं केक के ऊपर, जैसी भी डिज़ाइन आपको पसंद हो वैसे आप इसकी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ऊपर मैंने जो क्रम्स बनाए थे ना हम लोगों ने केक के, उसको डाल दिया है। बस करना क्या है, केक हमारा तैयार हो गया है। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा केक बन के तैयार हो गया है झटपट से। चलिए अब हम इसको काट के देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इसकी लेयर कितनी अच्छी है, इसकी फ्रॉस्टिंग कितनी इवन हुई है, आप देख ही सकते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी केक बन के तैयार हो गया है दोस्त। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ फ्रेंड्स किचन में।